कुछ अधिकारी लोग आन के बोले हैं कि हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करना है शिक्षा के मंदिर को शिक्षा के मंदिर राज रखा जाए, इसको राजनीतिक क्षेत्र में बनाया जाए। झारखंड के गढ़वा जिले का ये स्कूल इन दिनों काफी चर्चा में है। कोरवाडीही गांव के इस स्कूल के बारे में बीती 4 जुलाई को मीडिया में एक खबर खूब चली, जिसका शीर्षक था, मुस्लिम बोले हमारी आबादी 75%, इसलिए नियम भी हमारे अनुसार बने। खबर में ये भी लिखा था कि गांव के मुसलमानों ने स्कूल पर इस बात के लिए दबाव बनाया था कि स्कूल में होने वाली प्रार्थना हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ बांधकर हो। इस खबर के छपने के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई। इसके बाद गढ़वा के जिला अधिकारी रमेश कुहलप के आदेश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार मयंक भूषण ने स्कूल का दौरा किया और सबको हिदायत दी कि हाथ बांधकर नहीं बल्कि हाथ जोड़कर ही प्रार्थना करनी है। इस दावे का सच जानते हैं। प्रार्थना में कोई बदलाव नहीं है, सब वही होते आ रहा है। थोड़ा सा अंतर ये था कि बच्चे लोग हाथ जोड़ करके नहीं किया करते थे, यही थोड़ा सा अंतर था। हालांकि इसके लिए हम लोग प्रयास किए थे कि नहीं एक जैसा होना चाहिए प्रार्थना, लेकिन थोड़ा सा बच्चा कुछ दूसरा ही होता है। थोड़ा वो लोगों को समझाने का भी प्रयास किए थे लेकिन वो लोग नहीं माने, तो हम लोग सोचे कि लगता है कि बच्चे लोग इसी तरह करेंगे, अब करते भी हैं तो दो तरह से हो जाएगा, इसलिए ठीक है जैसे करें वैसी कैसे, तो भगवान के ही नाम लेना है, चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें, बात एक ही है। इसमें गलत क्या है? इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं, गलत उसमें ये था कि हाथ जोड़ करके करना चाहिए था, यही पूछ रहे थे कि हाथ जोड़ करके बच्चे क्यों नहीं करते हैं। हम बताए कि सर ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये इसी तरह करते आ रहा है, हालांकि हम लोग प्रयास किए थे बच्चों को कि हाथ जोड़ करके ही करना है। जी तीन बच्चों को प्रयास, माइनॉरिटी भी थे, धीरे धीरे हिंदू भी सब करने लगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि प्रार्थना कैसे हो, इसे लेकर गाँव की ओर से कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, तो फिर प्रार्थना पद्धति क्यों बदली गई? इस सवाल के जवाब में प्रिंसिपल योगेश्वर राम कहते हैं, जो पत्रकार आए थे शिकायत किए, तो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी लोग जितने भी थे सभी लोग आ गए यहाँ पर और आकर के सब पूछे, देखे, बताए ये सब चीज को। इसके बाद सब निर्णय हुआ, बताया गया कि इस तरह करना है आज से। इसके बाद जो है बच्चे लोग सब हाथ जोड़ करके और सभी लोग, हम लोग भी आज भी करते हैं, शुरू है, और सभी लोग प्रार्थना किए और प्रार्थना बहुत अच्छा लगा, लोगों को सुने तो बहुत अच्छा लगा। जिला शिक्षा अधिकारी कुमार मयंक भूषण कहते हैं कि प्रार्थना के संबंध में कोई गाइडलाइन नहीं है। देखिए प्रार्थना के संबंध में एक राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है जिसको हम लोग कम्युनिकेट किए हुए हैं। अच्छा। उसमें इसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है कि कैसे करना, लेकिन एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना सदियों से होती आई है। जब संज्ञान में आया तो हम लोगों ने उसको इंश्योर कराया, तो हाथ जोड़ करके करवाया, हमने लोकल कम्युनिटी के सभी लोगों को बुलाया, जो भी थे, जो भी हमारे PRIs हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारी वहाँ मैनेजमेंट कमेटी होती है, सब लोगों ने सर्वसम्मति से कहा कि नहीं सर हमको कोई आपत्ति नहीं है, अगर ये एक परंपरा बनी थी, अगर सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं है तो हम लोग हाथ जोड़कर ही करेंगे। इस संबंध में छात्र क्या कहते हैं? यहाँ पे कोई आन के नहीं बोले हैं अथी गार्जियन लोग की अथी हाथ बांध के प्रार्थना करना है या जोड़ के करना है, जैसे शुरू से हो रहा था वैसे ही हो रहा था, फिर कुछ अधिकारी लोग आन के बोले हैं कि हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करना है, और यहाँ कोई टीचर भी नहीं बोले थे कि हाथ बांध के करो या जोड़ के करो। प्रार्थना में राम और रहम सब लेते हैं नाम, शिक्षक और ना माता पिता कुछ नहीं बोले हैं। कोरवाडीही पंचायत की कुल आबादी लगभग 1000 है, वहीं कोरवाडीही गांव की आबादी लगभग 5000। इस पंचायत के मुखिया शफीक अंसारी के मुताबिक इस गांव में लगभग 55% मुस्लिम और 45% हिंदू हैं। गांव में एक मस्जिद और दो मंदिर हैं। शिव मंदिर और मस्जिद की दूरी बमुश्किल 150 मीटर है। इस विद्यालय के जो भी बच्चे हैं तालिमा बांध के करते हैं कि हाथ जोड़ के करते हैं, इस पर गाँव का किसी का आपत्ति नहीं है, इसमें किसी जाति धर्म को कुछ इस पर कुछ नहीं है। ये मीडिया के द्वारा जो ये जो लाया गया है इसका हम गौर निंदा करते हैं। हमारा गांव में ऐसा कुछ नहीं है, हमारा गांव में हिंदू मुसलमान एकता का मजबूती चटानी की तरह रहता है, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं किसी राजनीति का ऐसा है, कहीं ना कहीं इसके साजिश का शिकार ही विद्यालय हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि शिक्षा के मंदिर को शिक्षा के मंदिर राज रखा जाए, इसको राजनीतिक क्षेत्र में बनाया जाए। अपना अपना सबका अधिकार है, इसमें या तो बांध करे या तो ऐसे करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सभी को अभी मिलना चाहिए। लेकिन रही बात दबाव का, हमको जानकारी नहीं है लेकिन दबाव गलत चीज़ है। दबाव देकर के ऐसे करना चाहिए नहीं ऐसे करना चाहिए, ये अपना अपना अधिकार है। जो हाथ बांधने की जो मामला आया है,
इसमें ऐसे करके करे चाहिए, मेरे हिसाब से दोनों सही है। और हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग भी पहले भी कुछ बच्चे ऐसे भी करते थे और ऐसे भी करते थे। मेरा मानना है कि अगर स्कूल का गाइडलाइन है, सरकार का नियम है, तो वो सही है।